तो मैं उठता हूँ 7:30 पे अपनी 8 बजे वाली क्लास के लिए। चाहे कितनी ही देर हो रही हो क्लास के लिए, सुबह उठकर तुरंत उठा के मैसेज चेक करने की आदत बन चुकी थी अब, और इसके साथ ही होती है आईटी में एक और दिन की शुरुआत। कम टाइम होने की वजह से जल्दी से मुंह हाथ धोकर हो जाता हूँ मैं तैयार। बट क्लासेस इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं कि उनके लिए ब्रेकफास्ट मिस किया जाए। फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करके चल पड़ता हूँ मैं लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स की ओर। जनरली 3 से 4 मिनट लगते हैं मेरे हॉस्टल से LSC तक पहुंचने में, पर क्योंकि अभी 8:15 हो चुका है और हमारी क्लास 8 बजे से शुरू होनी थी, तो थोड़ी जल्दी साइकिल चलाएंगे और जल्दी पहुंचेंगे। तो हम लोग लेक्चर और कॉम्प्लेक्स आ चुके हैं, थोड़ा लेट तो हो गया, आज 8:30 बज चुका है 8 बजे ही क्लास में, तो मेरा तो मन नहीं है क्लास जाने का। सोच रहा हूँ क्लास मिस करके 9 बजे वाली क्लास चला जाऊंगा। दिस इज हाउ एलेक्सी ऑफ आईटी डील लुक्स लाइक। तो बाहर ही बैठते रहते हैं, नेक्स्ट क्लास शुरू होने से नेक्स्ट क्लास है 9 बजे से, 9 से 12 होंगी हमारी क्लासेस, फिर देखते क्या करना है। नाउ दिस इज अ लेक्चर ऑफ आईटी दिल्ली, जो सपना होता है लाखों आईटी जेई एस्पिरेंट्स का यहाँ आके पढ़ाई करने का। यही वेट करता हूँ मैं 9 बजने का फॉर द नेक्स्ट क्लास। So it's 9:00, let's go to the class. Now this is how IT prof teaches. शुरुआत की क्लास में एनर्जी एकदम हाई रहती है और पढ़ने में मन लगता है, पर 12 बजते नींद पढ़ाई पर हावी हो चुकी होती है। क्लासेस खत्म होते ही सब निकल जाते हैं हॉस्टल की ओर लंच करने के लिए। Guys, मैं डेली लाइफ के बारे में बताता हूँ, शायद यहाँ मैं जिंदा हो। वैसे लोग लौटने में भी निकलते हैं यहाँ से, कोई बात नहीं, आ गए हो। हॉस्टल क्योंकि 8 से 12 वाली क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, जिसमें से मैंने 8 से 9 वाली तो मिस ही कर दी थी ऐसा बताया था। मतलब लगातार 3 या 4 घंटे की क्लासेस हेक्टिक तो रहती हैं, पर चल है क्योंकि आज कोई लैब नहीं है, मतलब फ्राइडे को लैब नहीं रहता, तो मतलब चले अब पूरा दिन फ्री है। अब सो लेते हैं थोड़ा, क्योंकि रात में मैं सोया था 4 बजे और सुबह 8 बजे की क्लास थी, तो 3 घंटे सोया था, तो अभी 3-4 घंटे सो लेते हैं, फिर देखते क्या करता है। जब या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे सुबह, अभी गाड़ी ठोक दी थी मेरे को ये वीडियो के चक्कर में, बच्चे रहे वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। लंच करके जाता हूँ मैं सोने के लिए। Now it's time to sleep. अब बच चुके हैं शाम के 5 and now starts the best part of the day, जिसमें कोई भी commitments नहीं होते। You can and should do whatever you feel like. I generally invest this time in productive activities starting from meditation, reading self-help books, writing journal, working out in the gym and whatnot. And this is also a time hanging out with friends. थोड़े बहुत गपशप के लिए time मिल जाता है इसी वक्त। And कभी कभी जब time निकाल पाता हूँ तो कैमरा लेके निकल जाता हूँ बाहर वीडियो शूट करने के लिए, जो देता है मेरे को बहुत सारी खुशी। बट इनसाइड एन IIT जहाँ कितना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, अगर तुम पढ़ाई रोज नहीं करते हो देन यू कैन बी इन लॉट ऑफ ट्रबल। सेम गोज फॉर कोडिंग एज वेल, क्योंकि यहाँ आधे से ज्यादा जनता कोडिंग कर रही होती है। तो इन सब में उलझ के कब में रात हो जाती है इसका पता ही नहीं लगता।
Now, I do the most interesting activity of the day, which is editing the videos which are short. It takes a hell lot of time to edit a single video, but the output nikalta hai na uske baad, that makes the effort worth it. कभी कभी रात में वीडियो एडिट या पढ़ाई करते समय भूख लगने लगती है, तो मैं और मेरे दोस्त निकल जाते हैं नाइट मेस की ओर, वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस ऑफ आईटी दिल्ली एट नाइट। सो आवर डे इन लाइफ शूट करते करते रात हो चुकी है, बज चुके हैं रात के 2, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। आई नो ज़्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो आईटी जी एस्पिरेंट्स और आईटी दिल्ली आना चाहते हैं, सो फॉर अ बिट ऑफ गाइडेंस यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। दिस इज अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट माई जर्नी ऑफ रैकिंग आईटी जी फ्रॉम स्क्रैच, देख सकते हो। बाकी मैं ट्राई करूंगा चैनल पर रेगुलर रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। आ गया हूँ मयंका, डे इन लाइफ ऑफ फकिंग आईआईटीएन का वीडियो बनाने।